माँ कसम दोस्तों, इतनी ठंडी है। वो सर्दी में उठ के काम पे जा रहे हैं, उसको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। तो कैमरा मैंने स्पेशली खोला है अपने लवली हस्बैंड के लिए। रुको बेल्ट लगा लूं। स्टार्टिंग में अपने चिचड़ हस्बैंड को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इट इज नॉट इजी टू सर्व इतने सारे लोगों को। थैंक यू माय लवली हस्बैंड। मेरी तो लग गई है एक महीने में सुबह से लेकर शाम तक अपने घर को संभालने में नहीं, अपने घर को बनाने में। भाई ठंड में सुबह से लेकर शाम तक 9 to 6 मेरी तो लग गई है कारीगरों से काम कराते कराते, क्योंकि बन रहा है मेरा नया नया घर। तो चले करेंगे गाड़ी को बंद, करेंगे टक टक, करेंगे लिफ्ट ऑन। मेरा नाम है किशु और मुझे पूरा 1 साल हो गया ब्लॉगिंग करते हुए। ये मेरा घर जो बन रहा है, निकालेंगे चाबी, जय गुरुजी, और करेंगे श्री गणेश। ये है टोटल मेरे घर की सिचुएशन अभी। और सबसे पहले खोलेंगे लैपटॉप, फिर करूंगी आपसे बात। काम से ब्रेक, दोस्तों पिताजी आए थे, पूरा दे कर गए हैं। बढ़िया बढ़िया गरम गरम खाना पिताजी लेकर आए हमारे लिए, थैंक यू पिताजी। दोस्तों सर्दी बहुत ज्यादा थी, बहन ने हीटर भी ऑन कर दिया, ग्रेट सक्सेस। अच्छू अपनी क्या पुड़िया में कर रहे हैं। दोस्तों सिमो पॉप का गेट रेडी हो गया। और मेरे इस घर में रहते हैं मेरा हस्बैंड और मेरे दो पिल्ले, जिसका नाम है सिम्बा और पॉपकॉर्न। सिम्बा है गोल्डन रिटीवर और पॉपकॉर्न है छोटू सो सिद्धू। मेरी सिम्बी है 5 ईयर्स की और पॉपकॉर्न है 2 ईयर्स का। और फिलहाल मेरे घर की सिचुएशन है ये। 5 साल हो गए मेरी शादी को और अब फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रही हूँ। पहले रहती थी मैं इन-लॉज के साथ और इस घर में अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ, मतलब प्रॉपर शिफ्ट भी नहीं हुई हूँ। मेरा मायका भी चंडीगढ़ में है और मेरा ससुराल भी चंडीगढ़ में है, लकी मी। मेरी मम्मा साइड है, मेरी मम्मी और मेरे प्रीतम, मेरा भाई और मेरी नटखट भाभी। मेरे भाई को तो आप जानते ही हो, ज्यादा ही फेमस है। मेरी भाभी तो उससे भी ज्यादा, और मेरा भाई छोटा है लेकिन बॉसगिरी वो पूरी दिखाता है मुझे, क्योंकि वो मेरा गुरु भी है, मेरा लिटिल बेबी भी है, मतलब मेरी आंखों का तारा है। क्यूट लग रहा है ना ये। मेरा एक देवर है जिसको मैं सैंटा बुलाती हूँ, और देवरानी है जिसको मैं पीपी किट बुलाती हूँ, और उससे दोनों घर की गॉसिप कर लेती हूँ। फादर इन लॉ मुझे बुलाते हैं गोल्डन गर्ल, क्योंकि मैं उनकी गोल्डन गर्ल हूँ। काम तो मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, फिर भी टैग तो मुझे मिला है। और मेरी मदर इन लॉ से मेरी कभी कोई बहस नहीं हुई। आपको ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जान लेना चाहिए ना कि आप किसको देख रहे हो, क्योंकि मेरे नए घर की हो रही है नई शुरुआत, मतलब मेरी न्यू शुरुआत, मेरे YouTube की न्यू शुरुआत, मतलब सबकी न्यू शुरुआत। तो इसलिए सोचा आपको बताना जरूरी है। और जो मेरी मम्मा है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उनको प्यार से अर्चू बुलाती हूँ। एंड जो मेरे फादर है मैं उनको पिताजी बुलाती हूँ, और वो है मेरे हनुमान। व्लॉगिंग मैंने सिर्फ फन के लिए शुरू करी थी, लेकिन अब जब से घर लिए तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। और मैं अपने आप को प्राउडली कहती हूँ आई एम अ यूट्यूबर। अरे मैंने सबके बारे में बता दिया और अपने हस्बैंड के बारे में नहीं बताया। मेरा हस्बैंड है मेरा बेस्ट फ्रेंड, और जब मैंने सबको बोला कि मैं इससे शादी करूँ तो लोग मुझे क्या बोलते थे, आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप यू आर मैरिंग द सेम मैन। इतना बुरा भी नहीं है, है बुरा लेकिन मेरे लिए ठीक ही है, काम चला रही हूँ। और उसका है फिटनेस का बिजनेस। मुझे देख के ये मत बोलना अरे उसका फिटनेस का बिजनेस है और मैं इतनी हेल्दी बेबी। बचपन का प्यार है, उसका बिजनेस है, मैं फिटनेस ठीक नहीं हूँ। उसी क्लाइंट्स वैसे उसे काफी हैप्पी रहते हैं। अगर आपको भी हेल्दी सेक्सी फिट एंड फाइन होना है तो उसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। मैं अपने हस्बैंड को प्यार से बुलाती हूँ गू, वो भी उसकी गर्लफ्रेंड ने नाम रखा था जब वो 10th में था। गुस्से में गौरव जो उसका एक्चुअल नाम है, और जब उसकी कोई खिल्ली उड़ानी हो तो उसको बुलाती हूँ गैरी, जो गोरो ने रखा था। बिग सक्सेस। और वैसे वो है मेरा चिचड़ हस्बैंड, मजाक नहीं करी, ही इज अ साइको लवर। ओह मेरी मम्मा का है बिजनेस, वो भी कपड़ों का। और अगर आपको डिजाइनर सूट्स, फॉर्मल सूट्स देखने हैं तो भी मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि अर्जू अपना डिस्प्ले करते रहते हैं। बेसिकली वो लगाते हैं एग्जीबिशन। शादी से पहले हम करते थे ऑल ओवर इंडिया, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई तो काम भी थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। और उसके लिए थैंक यू मैं बोलना चाहूंगी अपने लिटिल बेबी को, जिसने कहा अर्जू यू हैव डन योर जॉब, अब आप रिलैक्स करो। दोस्तों बहन कुछ कर रही है, देखो इसका क्या बनकर आता है।
देखो देखो कौन आया है मेरा बच्चा। मम्मा आ रहे थे, भागा नीचे गाड़ी में, मम्मा को बीबी, लेकिन शैतान मेरा अकेला आया है। उतरा सिम्बा भी था, लेकिन पिताजी सिम्बा को लेके और मम्मा बेचारे को उठा के लाए। हाँ मेरा बच्चा। दोस्तों मम्मा के पास छुपके से आ गया, यहाँ बैठा हुआ था। मैंने कहा पप्पू हाँ मेरी गुदिया, धीरे धीरे बैग गिर मार के मम्मा पास बैठ गया। नाराज हो गए, 1.5 महीने हो गए मुझे पप्पू को ऐसे छोड़े हुए। उसको चल रही पप्पू तेरे लिए तो बना रही हूँ मैं पप्पू हाउस। नो आज बेचारा वॉमिटिंग कर रहा था, ठंड लगी। मम्मा को देख ले, वो मेरे पास तो आया ही नहीं, आपके पास ही बैठ गया। ऐसे पराया बैठा भी, पराया पराया ऐसे कॉन्शियस होके, किसी को नहीं भोंका। इतने बढ़िया लोग हैं, किसी को नहीं भोंका। अकेला था ना, अपना घर होता तो कैसे पास ऐसे कुकु कुकु तो कर रहे हैं, वो तो स्मेल कर रहे हैं चीजों को। दोस्तों सबसे टफेस्ट टाइम होता है क्या, जब क्लीनिंग हो रही हो, जब फिनिशिंग हो रही हो। मेरी ये सिचुएशन है और अर्जुन मेरे लिए कुछ ना कुछ पेंट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं हिल रही हूँ, मम्मा बेचारे हर 2 मिनट बाद उठ रहे हैं। और ठंड ऐसी है, फ्रीजिंग हो गया, मतलब माइनस में टेम्परेचर मुझे लग रहा है, फील तो वैसे ही हो रहा है। ये है मेरी मम्मा जो बहुत इरिटेट हुए हुए हैं। दोस्तों रात के बज रहे हैं 11:10:55 और अब मैं अपने घर से निकल के मम्मा के घर जा रही हूँ। रीजन कारीगर नहीं थे, कारीगर तो 8:30 बजे चले गए थे। मेरा खुद का काम, जब होता है कि मुसीबत आती है तो हर जगह से आती है मुसीबत, तो क्या ही बोलूं। जम गई है गाड़ी, तले पी पे ना शीशा साफ कर लेती हूँ और तब तक आपसे बातें कर लूंगी। वैसे तो मैं शादी से पहले करती थी मैं एग्जीबिशन, शादी के बाद हस्बैंड ने काम छुड़वा दिया क्योंकि मोस्टली मैं सैटरडे संडे बिजी होती थी और वो सैटरडे संडे फ्री होता था। हाँ बीच में कोविड हुआ था इसलिए वो काम रह गया था, तो इसलिए छोड़ ही दिया था। चलो ऐसे हो गया था, हाँ यार राइट, 50-50 था। एंड सेकंडली अब फिर से मैंने काम शुरू कर दिया, एग्जीबिशन का नहीं अपनी फील्ड का। मैंने करती फैशन डिजाइनिंग, तो अब मैं करती हूँ लैपटॉप काम। कुछ दिख नहीं रहा दोस्तों, आगे भी गाड़ी पीछे भी गाड़ी, हमको सच में नहीं दिख रहा कुछ। ओ ढक्कन में लाइटें ही नहीं खोली बाहर की, अंदर की लाइटें खोली तो मतलब हो गया। ऐसी बेचारी औरतें बदनाम हो जाती है कि ड्राइविंग आती नहीं उनको, कभी कभी हो जाते है ना। ओके पहुंच गई हूं मैं अर्जुन के पास। दोस्तों इस सोफे के ग्रह इतने ढीले में क्या बताऊं। मम्मी ने कारपेंटर से पेन मांगा, कारपेंटर ने फेंका पेन और सीधा वो फैल गया, इंक वाला पेन था। इतने सालों से मम्मी ने लेके रखा था एग्जीबिशन, यूज नहीं करा था। लेकिन मस्त चीजें, हाँ दोस्तों हट गया, अब ये सूखने के बाद पता चल गया। और कल मैं सबको बुलाया घर में, ये अंदर ही लिया। मोए मोए हो रहा है, मोए में नहीं, ये छोटी छोटी चीजों से नजरें कट रही है। ओह माय गॉड, मैं वैसे ही सोफा, मेरे भाई ने क्या बोला है कि शिव बुरी नजर लगेगी नहीं। और दोस्तों कल है मेरे घर में पूजा और अभी मेरे घर का ये हाल है, देख रहे हो, भगवान बचाए। ये कमरा क्लीन है, इसका बेड ऑर्डर दिया हुआ है, आज शायद आ जाए वरना कल आएगा। ये कमरा फुल क्लीन हो चुका है, इस कमरे का भी देखो बुरा हाल है। अपने ड्राइंग रूम का हाल दिखाती हूँ, घड़ी में टाइम हुआ है, उप्स मेरे घर में अब तक घड़ी भी नहीं लगी है, अराउंड 6:30 और 7:00 मेरी नेल्स की अपॉइंटमेंट है। ओह कैमरा भी कितना गंदा, बेटर। 7:00 मेरी नेल्स की अपॉइंटमेंट है, मुझे मेकअप का बिल्कुल शौक नहीं है, मैं कराती सिर्फ नेल्स, तो सोची हूँ करवा लूँ। वो भी बेचारी मेरी मम्मी ने कॉम्प्रोमाइज करा कि एक जने को यहाँ होना चाहिए, मम्मी कहते मेरा चल छोड़, मेरा डे नहीं है, तेरा डे है, तू चले जाइयो। मैंने पहले मम्मी को बोला कि मम्मी आप चल जाओ, इट्स ओके, मैं तो वैसे थकी हूँ। थैंक यू अर्जुन। चलो ये थी मेरी कहानी, मिलते हैं कल फ्रेश मूड फ्रेश माइंड के साथ। बाय सिद्धावन पे, जय श्री राम, बाय बाय।